बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन विद न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन बच्चों इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। पिछले पार्ट में बच्चों ये उसी लेक्चर का पार्ट भी है। पिछले पार्ट में हमने डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन की थी, अब न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो बच्चों इन दिस सेक्शन वी कंसीडर थ्री टाइप्स ऑफ वेव इक्वेशन सब्जेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशियल कंडीशन। द जनरल फॉर्म ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम गिवन बिलो। बच्चों जनरल फॉर्म क्या है, यूटीटी यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स ऑफ एक्स वाई जेड टी प्लस यू वाई वाई ऑफ एक्स वाई जेड टी प्लस यू जेड जेड ऑफ एक्स वाई जेड टी, ठीक है बच्चों। वेयर एक्स इज इन बिटवीन जीरो एंड ए, वाई इज इन बिटवीन जीरो एंड बी, जेड इज इन बिटवीन जीरो एंड डी एंड टी ग्रेटर देन जीरो। बाउंड्री कंडीशन बच्चों आपकी डेरिवेटिव्स पे होंगी कि यू एक्स जब लोगे तो एक्स को जीरो डालोगे, यू एक्स ऑफ जीरो वाई जेड टी इज इक्वल टू जीरो, यू एक्स ऑफ ए वाई जेड टी इज इक्वल टू जीरो, यू वाई ऑफ एक्स जीरो जेड टी इज इक्वल टू जीरो, यू वाई ऑफ एक्स बी जेड टी इज इक्वल टू जीरो, यू जेड ऑफ एक्स वाई जीरो टी इज इक्वल टू जीरो, यू जेड ऑफ एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो इनिशियल कंडीशन है यू ऑफ एक्स वाई जेड जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी एंड यू टी ऑफ एक्स वाई जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो। बच्चों एक नॉन होमोजीनियस दूसरी होमोजीनियस, अगले प्रॉब्लम में ये होगा कि ये वाली होमोजीनियस ये नॉन होमोजीनियस, उससे अगले प्रॉब्लम में दोनों नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन। तो बच्चे वही है, देखो टाइप टू में वही पहली होमोजीनियस दूसरी नॉन होमोजीनियस, टाइप थ्री में दोनों नॉन होमोजीनियस, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों पहला प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। कंसीडर द थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन सब्जेक्ट टू न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन एज utt इज इक्वल टू 12 * uxx + uyy + ugz, 0 इज लेस देन xyz लेस देन पाई t ग्रेटर देन 0। तो ux ये बच्चों बाउंड्री कंडीशन है जो ऊपर हमने बताई है, ठीक है। सिर्फ आपकी डोमेन क्या बन गई है, जीरो टू पाई, वहां पे जीरो टू है जीरो टू बी, यहाँ पे जीरो टू पाई बन गया। तो आपकी डेरिवेटिव में ये न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। तो यू ऑफ एक्स वाई जेड जीरो इज इक्वल टू फोर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जी एंड यू टी ऑफ एक्स वाई जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसी से नजर आ रहा है बच्चों अल्फा एन एम आर आपका निकल आएगा और बीटा एन एम आर आपका जीरो हो जाएगा। बच्चों उसी तरह से आप सपोजिशन करोगे इसके लिए कि क्या हम सपोज करते हैं कि सोल्यूशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म यू ऑफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई एच ऑफ जेड टी ऑफ टी, ठीक है बच्चों ये आ गया। तो बच्चों डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू वाई टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू जेड टू टाइम्स, 7 8 9 10 में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। 1 में डालोगे तो आपको 11 मिल जाएंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई एच ऑफ जेड 12 मिल जाएगी। तो बच्चों जिस तरह पिछले प्रॉब्लम ने किया है उसी तरीके से ये वाली टर्म आपकी माइनस लैम्डा स्क्वायर के बराबर, ये माइनस म्यू, ये माइनस गामा स्क्वायर के बराबर और सारा ये माइनस ईटा स्क्वायर, वेयर ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो यहां से बच्चे आपको चार डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगी, वो ये नीचे आ गई, ये चारों आ गई, ठीक है ना बच्चों। ये चारों आएंगे, इन चारों का फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बच्चों आप निकाल सकते हो। मैं पहली को एक्सप्लेन कर देता हूं, पहली का जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा एफ ऑफ एक्स आएगा ए कॉस लैम्डा एक्स प्लस बी साइन लैम्डा एक्स, ये बच्चों पहली का आ गया। इसी तरह दूसरी का 23 में दिया हुआ है, तीसरी का 24 में दिया हुआ है, ठीक है, एच ऑफ जी और टी ऑफ टी का 25 में दिया हुआ है, पी कॉस अंडर रूट 12 ईटा टी प्लस क्यू साइन अंडर रूट 12 ईटा टी। बच्चों ईटा की वैल्यू यूज करने के बजाय अगर आप इसको बार बार इतनी बड़ी वैल्यू जो आप लिखते हो अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ईटा ही चलने दो और आखिर में जाके इसकी वैल्यू डाल दो, ठीक है ना बच्चों, उस तरह भी कर सकते हो। तो बच्चों अब हम बच्चों क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है यू ऑफ एक्स वाई जेड सॉल्यूशन, हमने क्या सपोज किया हुआ है यू ऑफ एक्स वाई जेड, यू ऑफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई एच ऑफ जेड टी ऑफ टी। तो बच्चों हमने हमें यू एक्स भी चाहिए, यू वाई भी चाहिए, यू जेड भी चाहिए क्योंकि हमारी कंडीशन यू एक्स यू वाई और यू जेड पे है। तो यू एक्स करोगे बच्चों एफ डैश आ जाएगा, यू वाई करोगे तो एफ जी डैश आ जाएगा, यू जेड करोगे एफ जी एच डैश इस तरह आ जाएगा, ठीक है बच्चों ये आ जाएगा। तो ये तो यू एक्स जब आप लोगे ये बच्चों यू एक्स जब यूज करोगे तो वो देखो यू एक्स ऑफ जीरो जब डालोगे तो एफ डैश ऑफ जीरो हो जाएगा जी, बाकी सारे उसी तरीके से यहां से एफ डैश ऑफ जीरो जीरो मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ पाई जीरो मिल जाएगा। ये बच्चे आपने पहले भी हल किया, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाता हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे क्या सोल्यूशन आएगा, पहले पूरे बार बार यही चीजें हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एन पाई, लैम्डा आपका एम आ जाएगा, इसी तरह म्यू जो होगा वो एम आ जाएगा और तीसरा गैमा अगर हमने सपोज किया हुआ है तो आर आ जाएगा। तो फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा एफ एन एफ एक्स ए एन कॉस एन एक्स और एन की वैल्यू आपकी जीरो से स्टार्ट होती है क्योंकि बच्चे पिछले लेक्चर में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एन आपका जब आपकी न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन होगी तो जीरो से स्टार्ट होगा। एफ एन ए एन कॉस एन एक्स जी एम 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 कॉस एम वाई तो एच आर एल आर कॉस आर जेड, बच्चों कांस्टेंट आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो, वेयर एन एम आर वेरी फ्रॉम जीरो वन टू थ्री। तो टी एन एम आर टी पी एन एम आर कॉस
12 ईटा टी कर दो बच्चों, अंडर रूट 12 ईटा टी प्लस क्यू एन एम आर साइन अंडर रूट 12 ईटा टी कर दो। तो यहाँ पे बच्चों ईटा यूज कर दो या आप एम स्क्र प्लस आर स्क्र उसकी वैल्यू यूज कर दो। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों ये सारे फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कंबाइन कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा। इन सब की वैल्यू डालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा यू एन एम आर, ये सोल्यूशन आ जाएगा फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, वेयर अल्फा एन एम आर किसके बराबर है ए एन इंटू एम एम इंटू एल आर इंटू पी एन एम आर, और बीटा एन एम आर किसके बराबर है ए एन एम एम एल आर इंटू क्यू एन एम आर बच्चों इसके बराबर है। तो ये आ जाएगा। तो बच्चे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करोगे, समीशन एन इज इक्वल टू जीरो अप टू इनफिनिटी। बच्चों डिरिचलेट कंडीशन होती तो एन आप वन टू इनफिनिटी करते हैं, यहाँ से जीरो अप टू इनफिनिटी करोगे, एम इज इक्वल टू जीरो अप टू इनफिनिटी एंड आर इज इक्वल टू जीरो अप टू इनफिनिटी। कॉस एन एक्स कॉस एम वाई कॉस आर सी ये इंटू अल्फा एन एम आर, बाकी सारे आगे उसी तरीके से। तो बच्चों कंडीशन आपकी यू एट टी इज इक्वल टू जीरो है और यू टी एट टी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको 28 को रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो, यू टी आपके पास आ जाएगा। अब 28 और 29 में आप टी इज इक्वल टू जीरो डालो, पहले 28 में टी को जीरो डालो तो यू ऑफ एक्स वाई जेड जीरो, ये आपका इसके बराबर आ जाएगा। ये आपको पहले भी पता है किस तरह आता है, तो यू ऑफ एक्स वाई जेड जीरो आपका बराबर है बच्चे 4 प्लस कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जी दिस इज इक्वल टू दिस। बच्चे इसको एक्सपेंड करो, पहले एन इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू जीरो आर इज इक्वल टू जीरो डालो, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा जीरो अल्फा नॉट नॉट नॉट, ये आ गया। तो बच्चों कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है क्योंकि एन एम आर को आपने जीरो डाल, लिहाजा ये अकेला कांस्टेंट है। अब बच्चों बाकी सारे आप जीरो वन टू जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो वो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे जीरो है। अभी तो देखो एक्स का कोफिशिएंट वन, वाई का वन, जेड का वन, सिर्फ वन वन डालो, अल्फा वन 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 कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जी प्लस वन। ठीक है बच्चे, तो अल्फा कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है वन, और बाकी जो अल्फा जीरो जीरो ये विदाउट कॉस है और यहाँ पे अकेला कांस्टेंट है ये फोर के बराबर है, तो बाकी तमाम अल्फाज आपके क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो अल्फा जीरो जीरो इज इक्वल टू फोर, बच्चे ये जीरो जीरो है वन नहीं है, तो अल्फा वन 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 इज इक्वल टू वन एंड ऑल अल्फा एन एम आर इज इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो कॉमा वन। अब बच्चों बीटा एन एम आर डिटरमिन करने के लिए टी को जीरो डालो 29 में, जो आपने डिफ्रेंशिएट की थी 28 उसे 29 मिली थी यू टी, तो इनिशियल कंडीशन यूज करो तो यू टी ऑफ एक्स वाई जेड जीरो बच्चे जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे आपके जितने भी बीटाज आएंगे उन तमाम की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो बच्चों अल्फा अल्फाज और बीटाज की वैल्यू दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट करोगे 28 में तो बच्चों ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉस 60 बच्चे आपको पता है किस तरह आता है, तो वहां पे वैल्यू डालोगे तो विच इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों प्रॉब्लम नंबर टू में क्या होगा, वही प्रॉब्लम है, सिर्फ क्या है 12 की जगह यहाँ पे 4 आ गया, बाकी कंडीशन वही है, पहली होमोजीनियस बन गई दूसरी नॉन होमोजीनियस बन गई। बच्चे इस प्रॉब्लम को आप लोग खुद करो, ठीक है, इसी तरीके से ये होगा, ये सारा वही तरीका है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो पहली अगर जीरो है तो तमाम अल्फाज आपके बच्चे जीरो हो जाएंगे, और दूसरी अगर नॉन होमोजीनियस है तो बीटा की वैल्यू निकल आएगी, इसको बच्चे आप लोग खुद करो। अल्फा एन एम आर देखो बच्चे जीरो हो गया और बीटास की बीटा बीटास की वैल्यू निकल आएगी, वो आप देख लो किस तरह निकल गया, बीटा 221 यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 221 उसके लिए ये वैल्यू आ रही है वो 1 बन रहा है, इसको बच्चे क्रॉस चेक भी कर लेना। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चे दोबारा अल्फाज और बीटास की वैल्यू डालोगे तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर थ्री में क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर थ्री में ये होगा कि वही है, यहाँ पे पहले में 12 था 4 था ये 7 आ गया, बाकी कंडीशन आपकी सारी न्यू में नहीं है, सिर्फ इनिशियल कंडीशन आपकी क्या है दोनों नॉन होमोजीनियस है। तो बच्चों अल्फाज की वैल्यू भी निकालनी आती है और बीटास की भी, तो ये आप खुद करो, ये वाला भी प्रॉब्लम आप खुद करो। ठीक है बच्चे, बुक्स में जो बुक दी हुई है सारे प्रॉब्लम उधर से उठाई हुई है, उधर काफी सारे इस तरह के प्रॉब्लम है, इनकी आप प्रैक्टिस करो। ये आ गया। तो बच्चे यहाँ पे देखो बच्चे अल्फा 224 की वैल्यू निकल आई और अल्फा 002, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या है, और इसी तरह बीटास की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, बीटा 201 की वैल्यू निकल आ रही है। अब बच्चे बीटा में देखो cos 2x cos z है, cos y की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है y का कोफिशिएंट 0 cos 0 1 होता है, इसलिए 201 डाला है, इस चीज का बहुत ख्याल करना, 201 इसलिए डाला है। ठीक है ना बच्चे, और बाकी तमाम बीटाज आपके क्या है जीरो है, और उसी हिसाब से आप इसका सोल्यूशन निकाल लो। तो बच्चे मैं आपको अब मिक्स बाउंड्री कंडीशन जब आ जाए, कुछ डेरिवेटिव पे हो और कुछ उस पे बगैर डेरिवेटिव के, तो वो आ जाएंगे न्यूमैन और डिरिचलेट को मिक्स करेंगे। तो बच्चे ये टाइप वन है, ठीक है, टाइप वन टाइप टू, बच्चे इसमें काफी सारी टाइप्स बन जा सकती हैं, कितनी टाइप्स दी हुई हैं, काफी सारी टाइप्स बच्चों बन सकती हैं, जिस तरह भी आप बनाने चाहो। ये देखो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं बच्चों, उनको देख लेना।
जिसमें इसमें कोई भी, ठीक है बच्चे कोई भी, मैं एक आध प्रॉब्लम ले लेता हूँ, प्रॉब्लम नंबर वन, ठीक है। इसमें बच्चे दो न्यूमेन है और एक डिरिचलेट पे है, ठीक है। यूटीडी बच्चों यहाँ पे टू आ गया, सी की सी स्क्वायर की जगह टू आ गया, यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू जी जी, ये दोनों आपकी न्यूमेन बन गई, ये डिरिचलेट बन गई, और ये एक नॉन होमोजीनियस है एक होमोजीनियस। बच्चे इसको भी निकालना आपको आता है और इसको भी, मैं थोड़ा सा एनालिसिस बयान करूंगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आप सिक्स में जो ट्रायल सॉल्यूशन लिया हुआ हमने सपोज किया हुआ है ये कंसिडर करोगे उसके बाद। और बच्चे जब आप यू एक्स से कंडीशन निकालोगे तो उसको विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स डिफरेंशिएट करोगे वो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। यू वाई से जब कंडीशन निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करोगे तो उससे जी डैश ऑफ जीरो जी जी डैश ऑफ वाई की वैल्यू निकल आएगी। और डायरेक्ट अगर क्योंकि ये जी वाला डेरिवेटिव में नहीं है, डिरिचलेट है, तो जिस तरह आपने किया है तो ये यू ऑफ एक्स वाई जीरो टी यहां से निकल आएगा, तो एच ऑफ जीरो एच ऑफ वाई की वैल्यू निकल आएगी। और बच्चों इन दोनों के लिए जो सोल्यूशन बनेगा एन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आर इज इक्वल टू जीरो, बाकी काम उसी तरीके से। तो बच्चों इसको सबसे पहले पी डी पे यू टी टी यू एक्स एक्स यू वाई वाई डालो यू जी जी, ठीक है बच्चों ये आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगी एफ ऑफ एक्स जी एफ वाई एच एफ जेड टी एफ टी पे डिवाइड करोगे, क्वेश्चन 12 आ जाएगी। उसके बाद आपको पता है आगे क्या करना है, उसके बाद बस चलते जाओ बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी, इस तरह इनको सॉल्व करोगे। तो ये देखो ये बाकी ये देखो बच्चे यू एक्स ऑफ जीरो वाई जी ये एफ डैश ऑफ जीरो एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये पूरा मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह निकलता है। तो ये बच्चे सारा देख लो, ये आ गया एच ऑफ जी, ये आ गया फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन आपके, ये आ गए। बच्चे मैंने कहा था ना एफ एन और जी एम के लिए एन आपका जीरो और एम आपका जीरो से स्टार्ट होगा, और एच आर के लिए बच्चे आर आपका वन से स्टार्ट होगा, टी एन एम आर की वैल्यू बच्चे ये आ गई है, ठीक है। ये इन सबको कंबाइन करो, बस कंबाइन करने के बाद उसके बाद बच्चे अल्फा एन एम आर, ये कंबाइन फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गए। कॉन्स्टेंट अल्फा एन एम आर और बीटा एन एम आर बनाने का तरीका मैंने बच्चों आपको बता दिया पहले भी, उसको बनाओ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करो, यू ऑफ एक्स वाई जेड टी आ जाएगा, ये आ गया। इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास 29 आ जाएगी, 28 और 29 में टी की वैल्यू जीरो डाल के आप अल्फा एन एम आर के और बीटा एन एम आर की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे 28 में डालोगे तो कॉस 4x sin 3z, बच्चे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये बच्चे कॉस 4x sin 3z आ गया, यू एफ एक्स वाई जेड जीरो ये आ गया बच्चे। अब ये आ गया कॉस 4x sin 3z, ठीक है। अब बच्चों ये आ गया, अभी तो देखो ये cos x cos y cos, ये जो बच्चे cos y वाली टर्म नहीं है, तो लिहाजा m को जीरो डालेंगे, x का कोफिशियंट 4 करेंगे, r का z का कोफिशियंट 3 करेंगे, तो अल्फा 403 बच्चे देखो अल्फा 403 अल्फा 403 पहले बच्चा आपका आएगा अल्फा 403 पहले n इज इक्वल टू 0 तो स्टार्ट करोगे अल्फा 000 आगे चलते जाओगे, तो हमें अल्फा 403 चाहिए, बाकी बीच में हमें कोई नहीं चाहिए, बाकी तमाम कांस्टेंट 0 है, तो अल्फा 403 बच्चे इसका कोफिशियंट 1 आ गया, बाकी तमाम अल्फा एन एम आर आपका 0 एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 4 m इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों ये आ गया। और बीटा एन एम आर को डिटरमिन करने के लिए आप t को 0 डालोगे 29 में, तो यू एफ एक्स वाई जेड 0 क्योंकि 0 के बराबर है बच्चे, तो तमाम बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अल्फा एन एम आर की वैल्यू बच्चों ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे जो 1 आई है वहां पे, यहां पे 28 में, तो बच्चे यहां पे n को 1 4 r को 3 m को 0 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 इंटू 2 अंडर रूट 50 नीचे क्या जवाब बनता है बच्चे, नहीं यहां पे अल्फा ये साइन वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना बच्चे, जा अब देखो नीचे क्या जवाब बनता है, अंडर रूट 50 में आता है कोई जवाब, देखो 5 इंटू अंडर रूट 2 5 को बच्चे वही आता है ना 50 अंडर रूट वो, ठीक है बच्चे तो 5 इंटू अंडर रूट 2, तो बच्चों ये आपका ये मिक्स कंडीशन ही होंगे। तो बच्चे ये काफी सारी आप कंडीशन बना सकते हो, अगले प्रॉब्लम बच्चे आप लोग खुद करो, ये प्रॉब्लम को देखो बुक में भी है, तो ये देखो बच्चे उसी तरीके से यू एक्स एक्स वाली और जेड वाली न्यूमेन ले लिया तो मैन वाली डिरिचलेट बना दिया, अब इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद निकालो बच्चे, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप खुद करो, ये नोट्स में आपको मेल कर दूंगा, सारा काम उसी तरीके से है, ठीक है बच्चों। ये तो बच्चों ये इंशाल्लाह आपका वेव इक्वेशन का भी टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो बच्चे इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करना। तो ये बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3, अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3 में दो डिरिचलेट और एक न्यूमैन बना दिया है और दोनों नॉन होमोजेनियस बना दिए, इसको भी आप लोग खुद करो, ठीक है बच्चे। ये नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है बच्चे, तो इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 4 है, काफी सारे प्रॉब्लम है बच्चों। ये इसमें क्या किया हुआ है, इसमें
इसमें एक न्यूमेन, दो डिरिचलेट और दो नॉन न्यूमेन। ठीक है बच्चों, तो ये इसको भी आप लोग खुद करो। बच्चों आज के लिए इंशाल्लाह ये लेक्चर काफी है। ये तो बच्चों ये काफी सारे प्रॉब्लम है सबके सबकी, बस सिर्फ प्रैक्टिस आपने करनी है कि किस तरह होता है, ताकि इस किस्म किसी भी टाइप का आपके पास प्रॉब्लम आ जाए तो आपको कोई भी मसला ना हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।